The 100, one of the most dynamic and talk about tournaments in this world of cricket. आज की वीडियो में हम 100 क्रिकेट के बारे में जानेंगे क्या 2024 की सीजन 100 टूर्नामेंट को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। क्या एक्चुअली 100 लीग का फ्यूचर, क्या ये लीग आने वाले टाइम में और भी कंट्रीज भी 100 लीग को कॉपी करेंगे या फिर T20 लीग जो है ना वो स्टैंड स्टिल रहेंगे, क्या 100 लीग T20 को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। मतलब व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द 100 क्रिकेट लीग। ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ना क्रिकेट में बहुत कुछ दिया है, जो T20 क्रिकेट भी आप जो देखते हो ना ये T20 क्रिकेट भी इंग्लैंड ने ही हमको दिया था। एंड पहले के टाइम में ऐसा था कि मतलब क्रिकेट का जो पॉपुलैरिटी है ना वो थोड़ा लिमिट हो रहा था, जो न्यू ऑडियंस है ना न्यू ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए। एंड जो ODI जो फॉर्म था ना जैन जो टेस्ट जो फॉर्म था वो न्यू ऑडियंस को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। दैट टाइम इंग्लैंड आता है एंड इससे भी क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट एक रिसर्च करता है। देन इसके बाद उन्होंने T20 क्रिकेट को इन्वेंट करते हैं एंड T20 क्रिकेट इसके बाद आपको पता ही है बिकम एक सक्सेसफुल एक फॉर्मेट हो जाता है। हमें फर्स्ट टाइम 2007 में T20 वर्ल्ड कप को देखने को मिला था, मतलब 2003 में T20 क्रिकेट का इंट्रोड्यूस हुआ था, आफ्टर 4 ईयर के बाद ही 2007 में ही हमें वर्ल्ड T20 देखने को मिला था। 100 लीग का भी सीनरी कुछ ऐसा ही है। इंग्लैंड की अगर बात करें ना 2019 से पहले के टाइम पर क्रिकेट इन इंग्लैंड की जो सीनरी है बहुत हद तक चेंज होने वाला था। एंड जो रग्बी एंड जो बास्केटबॉल है स्पेशली बास्केटबॉल जो है ना कुछ ऐसे डोमिनेंट प्लेस में जिधर क्रिकेट बहुत ही तेज बहुत ही पॉपुलर था ना, इस जगह पर भी जो बास्केटबॉल है अदर अदर स्पोर्ट्स है वो सडनली ना कैचअप कर रहे थे ऑडियंस पे। दैट टाइम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत कुछ एक सोचा एंड 2021 में एक शानदार फॉर्म ऑफ क्रिकेट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द 100 टूर्नामेंट को विद द 8 टीम के साथ ना, ये मेंस एंड वुमेन्स दोनों में ही 100 लीग स्टार्ट हुआ था जिसपे जो इंटरनेशनल स्टार्स है इस लीग में आकर खेल रहे थे। देखो पहले से ही ना इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट मौजूद था, मतलब इंग्लैंड में ऑलरेडी एक T20 लीग था ऑलरेडी, बट ये जो T20 लीग था ना वो अगर आप देखोगे वर्ल्ड सिनेरियो में वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट की सिनेरियो में ना, हमने IPL के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है बिकॉज वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट लीग है एंड सबसे पॉपुलर लीग है। देन IPL के साथ साथ जो बाकी की लीग्स है BVL PSL देन बाकी जितने भी लीग्स है ना, लीग का थोड़ा हाइप होता है वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट की बात करें। बट मीन वाइल अगर T20 ब्लास्ट के बारे में देखोगे ना, T20 ब्लास्ट में 18 टीम पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बावजूद भी एक बहुत ही बड़ा ये लीग होता है। बट इसके बावजूद भी ना T20 ब्लास्ट का जो हाइप है वो हाइप हमें वर्ल्ड में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, स्पेशली क्रिकेट लविंग कंट्रीज में भी ना T20 ब्लास्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, लोगों को अभी तक भी जो T20 ब्लास्ट की टीम्स है टीम्स के बारे में भी नहीं पता होगा। बट इसके बाद ही उन्होंने ना 2021 में जो 100 लीग को आया इंट्रोड्यूस किया था बिल्कुल ही सिमिलर था फ्रेंचाइजी लीग की तरह एंड ये आने के बाद ना टोटली सक्सेस बन चुका था, टोटली सक्सेस। एंड क्रिकेट जो है ना मतलब T20 क्रिकेट को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया था इस लीग का जो रूल्स है एंड जो 100 बॉल के बीच में होता है ना, आई थिंक दिस इज़ अ फेयर है बिकॉज 20 बॉल एलिमिनेट हो जाता है, टोटल 40 बॉल्स एलिमिनेट हो जाता है जिसकी वजह से ना 30-45 मिनट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है ना वो वर्ल्ड के जितने भी लीग्स है वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्स है इसके साथ डायरेक्टली कंप्लीट कर पाते हैं बिकॉज वर्ल्ड की जो पॉपुलर लीग है ना एंड जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो भी इतनी देर तक ही चलता है। एंड ये टूर्नामेंट भी ना आने के बाद सक्सेस हो चुका था। बात करते हैं 2024 की जो 100 की लीग है, लीग के बारे में बात करते हैं। देखो 2024 की जो लीग है ना MEN FD लीग ही मेंस एंड वुमेंस दोनों एक ही साथ ही होता है, तो अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं है कितने लोगों ने अटेंड किया कितने लोगों ने वो रिलीज नहीं हुआ है, बट मैं फ्यूचर की आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। 2024 की जो सीजन था ना इस सीजन को जीता था ओमेंस में जीता था लंडन स्पिरिट ने, उनका फर्स्ट टाइटल है। इसके साथ साथ मेंस में जीता था होबल इनविंसिबल्स ने, जिन्होंने जो अपने जो टाइटल है ना टाइटल को अगेन डिफेंड किया होबल इनविंसिबल ने एंड बहुत ही शानदार मुझे टूर्नामेंट लगा। एक्चुअली मैं वर्ल्ड की सीनरी की बात करूँ ना जितने भी लीग्स होते हैं IPL होते हैं बहुत बहुत लीग होते हैं, आई थिंक मैं कह सकता हूँ 100 मेरा फेवरेट लीग है बिकॉज ऑफ द फ्लैशी कलर्स। आई थिंक उनकी जो जर्सी है मुझे बहुत ही पसंद है एंड इनफैक्ट इसके साथ साथ बात करें ना मुझे एक्चुअली ना इंग्लैंड की जो क्रिकेट की जो क्लाइमेट है वो मुझे बहुत ही पसंद है। ये सीजन में ना इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था कि उन्होंने टोटल 5,40,000 टिकट सोल्ड किया है बोथ ऑफ द मेंस एंड वुमेंस टूर्नामेंट को मिला देना, तो टोटल 5,40,000 टिकट को उन्होंने सोल्ड किया है, टेकिंग द टोटल बियॉन्ड 2 मिलियन ओवर द फर्स्ट 4 ईयर्स। फर्स्ट 4 ईयर में उन्होंने टोटल 2 मिलियन से ज़्यादा टिकट को सोल्ड किया है एंड दैट इज़ वेरी ह्यूज, दैट इज़ रियली वेरी ह्यूज फॉर द
ऐसे एक टूर्नामेंट जिधर मतलब ये जो फॉर्मेट है ना वो इंटरनेशनल में इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं है, बहुत ही नेगेटिव भी इसके ऊपर देखा जाता है एंड पॉजिटिव भी देखा जाता है, बट हाँ नेगेटिव ज़्यादा है। बट इसके बाद भी 2 मिलियन लोगों ने 4 ईयर में इस 100 लीग को अटेंड किया। इसके साथ साथ सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है जो वोमेंस क्रिकेट है, स्पेशली वोमेंस क्रिकेट में जो अटेंडेंस है एंड जो व्यूअरशिप है ना वो बहुत पहले से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। दैट इज़ द वेरी ग्रेट पार्ट इज दैट कि वोमेंस क्रिकेट ग्रो हो रहा है इस 100 लीग की वजह से। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो टोटल 2 मिलियन लोगों में से 30% ऑफ द पीपल न्यू टू क्रिकेट है, मतलब 30% ऑफ पीपल ऐसे हैं जो जिन्होंने मतलब क्रिकेट को पहले नहीं देखा था, तो इस लीग की वजह से ना 30% न्यू ऑडियंस को मतलब क्रिकेट के अंदर आने का मौका मिला है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये लीग का जो व्यूअरशिप है एंड जो अटेंडेंस है ना एवरी ईयर ही ग्रो हो रहा है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लीग। डिस्पाइट दैट एक ही मतलब मुझे वो लगा कि इस ईयर की जो व्यूअरशिप था ना टीवी व्यूअरशिप इस लीग का वो एज कम्पेयर टू 2023 की सीजन से कंपेयर करेंगे ना तो टीवी व्यूअरशिप में थोड़ा मतलब डिक्लाइन आया है। एंड इसके पीछे रीज़न है बिकॉज मिडिल ऑफ द डे में आपको बताया था कि ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से ना जो इस लीग का जो व्यूअरशिप है टीवी व्यूअरशिप है वो बहुत ही हद तक कम हो चुका था। बट इसके बावजूद भी ना जो 2024 की जो फाइनल है एंड जो 2023 की जो फाइनल है अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो मोर देन 500,000 ज़्यादा व्यूअर्स ने 2024 की फाइनल मैच को देखा था एज कम्पेयर 2024 की फाइनल से कंपेयर करेंगे तो यस ये लीग का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है बिकॉज ग्रो हो रहा है इस लीग। एंड इस साथ साथ ना जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फ्यूचर ऑफ दिस लीग, क्या ये लीग आने वाले टाइम में भी होगा या फिर नहीं होगा या फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे, बिकॉज एक रिपोर्ट आया था कि ऐसा कि जो 100 लीग है ना 100 लीग को डिसकंटिन्यू कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि लीग चेंज नहीं हो सकते, लीग का ना बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। सो बीबीसी स्पोर्ट्स की न्यूज़ के माने ना जो 100 की जो टोटल 8 टीम्स है ना 8 टीम्स का जो 49% शेयर है ईच टीम का, तो 49% शेयर ना वो बेच देंगे इसी भी। यस आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता होगा कि IPL की फ्रेंचाइजी टीम है मुंबई इंडियंस वो खरीदते हुए आपको नजर आ सकता है 100 की टीम्स भी, मतलब आने वाले टाइम में ना टोटल देखो 100% में से 50% स्टेक जो है वो ECB खुद रखेंगे एंड इसके साथ साथ जो बाकी 49% स्टेक है बाकी 49% स्टेक बेच देंगे। स्पेशली मैं आपको बोल देना चाहता हूँ जो इंग्लैंड में जो क्रिकेट होता है ना वो फ्रेंचाइज जो 100 भी होता है ना वो थोड़ा अलग से होता है, मतलब कि जो बाकी की टीम्स है जैसे T20 ब्लास्ट में आपको देखने को मिलता है सुसेक्स मिडल एक्स देन ऐसे टीम्स जो है ना वो एक्चुअली क्लब की टीम है, तो क्लब की जो ओनर है आपको बताया जैसे फुटबॉल में होता है ऐसे ही है क्रिकेट में भी सिमिलर ही है। एंड ये जो आप देखते हो ना 100 की टीम तो एक्चुअली ये जो क्वांटी की जो टीम है ना क्वांटी की टीम को मिलाकर मर्ज करके एक टीम बनाया गया था, तो इसकी वजह से 100% राइट्स ECB के पास ही है, तो वो 49% भेज देंगे आने वाले टाइम में। तो अगर ऐसा होता है तो ना तो जो टीम्स है ओवल इनवेंसिबल लंदन स्पिरिट शायद इस नेम भी आपको चेंज होते हुए नजर आ सकता है एंड दैट इज द टोटल थिंग। एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी आया है कि देखो अगर क्रिकेट होंगे तो इंडिया की जो टीम्स है वो तो इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, इसके साथ साथ राइन रेनॉल्ड्स जो डेडपूल का कैरेक्टर निभाते हैं वो भी शायद एक टीम को खरीद सकते हैं ऐसा रिपोर्ट है। इसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो ओनर है ना वो भी शायद इस लीग को एक टीम को एटलीस्ट खरीदने वाले हैं ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है, जैसे हमें मेजर लीग क्रिकेट में देखने को मिला था, जैसे हमें इंटरनेशनल T20 लीग में देखने को मिला था ग्लोबल T20 लीग में, ऐसा सिमिलर सा चीज़ हो सकता है इंग्लैंड क्रिकेट में भी। पर इसके पीछे थोड़ा बहुत वो है कि 49% अगर स्टेक रखेंगे ना तो मेजोरिटी तो ECB के पास ही है 51% स्टेक, तो जो ओनर्स एंड ओनर के पास ज़्यादा राइट्स नहीं रहेगा मतलब डिसीजन लेने का, तो इसके लिए शायद ये होल्ड हुआ है। बट फ्यूचर यही है, फ्यूचर में ना जो टीम्स है जो IPL की टीम शायद इस टीम को भी खरीद लेंगे, इट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस 100 लीग। एंड मैं मानता हूँ ना 100 की जो ये लीग है बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही सक्सेसफुल एक टूर्नामेंट मुझे लगता है। आई थिंक ICC अगर 100 को ज़्यादा आप सीरियसली लेने तो T20 क्रिकेट को नॉट ओनली चेंज कर सकता है क्रिकेट को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग कर सकते हैं। तो गाइस क्या है आपका सोचना नीचे ज़रूर कमेंट में बताना। तो गाइस मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे गाइस।